तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा दसवीं के लिए आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका गणित विषय का है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा दसवीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने गणित विषय के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कैसा पूरा कम्प्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन बताऊँगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर होगा आपका परीक्षाओं में। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली ए टू जेड जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कम्प्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग यहाँ से इसे देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एसीएफ 91 और 21 है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7। यहाँ से आपको 7 नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, यहाँ पर आपको लिख देना का कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योगफल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा माइनस ये वाला माइनस बी बटा ए, इसका राइट आंसर आएगा। अब उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविधीकर का मान होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप छठे के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से जरूर पूरा कर लें। तो पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब हम के रूप में जानते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम द्विघाती सूत्र के रूप में जानते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, द्विघाती सूत्र के रूप में हम इसको जानते हैं, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का दसवां पद होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका दसवां पद होगा 50। यहाँ से आपको 50 लिख लेना है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से आपको संभव लिख देना है, सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या आर वाले वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr2। तो यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को मिलान कर लीजिएगा। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका 1 से हो जाएगा। उसके बाद में टेन 90 माइनस ए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टेन 90 माइनस ए की जोड़ी का मिलान कोट ए से हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले, कोट ए। उसके बाद में देखो 5 sec² a माइनस 5 tan² a। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान भी आपका किससे हो जाएगा, 5 से। घनाभ का आयतन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, LBH। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख ले, LBH इसका राइट आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा a², ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में PE प्लस PE का बार का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपको लिख देना 1। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और इनके सॉल्यूशन को भी समझ लें। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी पूरे कर लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शून्यकों की संख्या लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें शून्यकों की संख्या आपकी 4 होगी। तो यहाँ से आपको 4 लिख लेना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं बहुलक। यहाँ से आप लोग लिख लें बहुलक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा Sn बराबर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है n/2, और उसके बाद में फिर आपको लिख देना है यहाँ पर आपको लिखना 2a, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है एन
माइनस वन इंटू डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिएगा, ये अपन ने वैसे इसको कहते हैं बहुलक। तो देखो अपन ने ये देख लिया, तीसरा इसको भूल गए थे, तो देखो इसको यहाँ पे बहुलक आपको लिख लेना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक कहलाता है। उसके बाद में अगला, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्षैतिज रेखा से ऊपर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखो, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ से लिख ले स्पर्श, उसके बाद में देखो बिंदु, यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, स्पर्श बिंदु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई और उसके बाद में R2H, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 को देख ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं कि सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन देख लेना है, सामांतर श्रेणी 10-7-4 का 10वां पद होगा। तो देखो 10वां पद होगा माइनस का 17। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 होगा। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में देखो, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 पाई आर की घात 2 पाई आर होता है। तो देखो पाँच नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, तो पाँच नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा यहाँ तक का इसको समझ भी लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि आप सब लोगों को मैंने सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से बता दिए, ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।